أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود جاء في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين। दीनी भाइयों और बहनों, अभी आप बिरादरम सैयद नजमुद्दीन साहब नजमी जो बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं और एक सच्चे और रासिखुल अकीदा महदवी हैं, उनको सुनने का आपको इत्तेफाक हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साहब ईमान सच्चे मुसद्दिक़ीन महदी माऊद सारी दुनिया में आज भी मौजूद हैं। और ये बिरादरम सैयद नजमुद्दीन हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के भी हैं, ये इंजीनियर हैं और मुल्क की आज़ादी से पहले के इंजीनियर हैं और इनका बहुत कामयाब कैरियर रहा है। मालूमात भी बहुत अच्छे हैं अल्लाह की फजल से, तो इनके लिए फ़कीर की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन महदी पर अमल करने की तौफीक हम सब के साथ अता करे और अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी दीदार से सरफराज फरमाए। गुज़िश्ता मजलिस में फ़कीर ने आपको कातलू के ज़ुहूर के मुतालिक बताया था और बहुत मुख्तसर, क्योंकि ये कोई जलसा शहादत नहीं है, बहरान का मौका है और फिर कल आपको वर्किंग डे है, मुझे उसकी भी रियायत करनी है, तो बहुत कम वक्त में बहुत मुख्तसर बातें मैं आपसे कह सकता हूँ। फल्लज़ीन हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम की जो आयत करीमा है, उससे पहले की उसके बाद की आयतें गुज़िश्ता मरतबा मैंने आपको सुनाई थी, आपके जहन में होंगी। कातलू का जो ज़ुहूर हुआ उसका बयान मुख्तसर आपने सुना। बंदगी में सैयदुन्नबी सिद्दीक़े विलायत सैयदुश्शुहदा सीरतुल महदी सुल्तान नसीरा कामयाब व कामरान रहे जल के अंदर सिर्फ 60 बेसर सामान फ़कीरों की जमात के साथ आपने शाह गुजरात सुल्तान मुजफ्फर के हज़ारहा के शाही लश्कर को शिकस्त फाक दी और ये इस बात का ज़ुहूर था कि जैसा कि बारी तारा फरमाता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी छोटी छोटी जमातें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ गई, तो ये अल्लाह का हुक्म कार फरमाता। हमारे इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशीनगोई पूरी हुई, ये हमारे इमाम की महदियत की सदाकत का एक तारीखी सबूत है, ये एक मोजिज़ा है, ऐसा मोजिज़ा है कि जिसको बज़ाहिर आक़िल कबूल नहीं कर सकती। ये कैसे मुमकिन है कि बेसर व सामान कमज़ोर फाख़कश फ़ुक़रा की छोटी सी जमात एक बड़े शाही लश्कर का मुकाबला करे और उस पर गालिब आ जाए, ये बात आखिर में आने वाली नहीं है। वो लश्कर इसके साथ हाथी हैं, घोड़े हैं, हज़ारहा सवार हैं और उसके पास सारे हथियार हैं, शाही तस्कर को शिकस्त देना कोई आसान बात नहीं थी। यह मोजिज़ा है, यह वाक़िया सबूत है और तारीखी सबूत है। हमारे इमाम हजरत सैयद मोहम्मद महदी मऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम की सदाकत था। अब जो कोतिलू का ज़ुहूर हुआ है एक दूसरी जगह, वो भी सबूत है। इमामना और सैयदना महदी मऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम की सदाकत था। मुख्तसर यह है कि बंदगी में सैयद कुंदमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मलिक शरफुद्दीन जागीरदार गुजरात ने उधर से पहुँचे। मैंने आपसे कहा रो रहे थे, पछता रहे थे कि बंदा इस सआदत से महरूम हो गया। बंदगी में सैयद कुंदमी सिद्दीक़े विलायत ने फरमाया कि तुम अफसोस क्यों करते हो। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ये थी कि तुम इस जंग में शरीक ना हो। अगर शरीक होते तो लोग कहते कि जागीरदार सुदर्शन के जागीरदार मलिक शरफुद्दीन की मदद से ये जंग जीती गई। इस जंग को तो फतह होना था बेसरो सामान फकीरों के हाथ पर, ताकि उसके खलीफे की बात सच साबित। और यही हुआ। मुख्तसर यह है कि सारे दायरे को अपने साथ लेके मलिक शरफुद्दीन खाबे से सुदर्शन अपनी जागीर रवाना हुए और ये सारा दायरा वहाँ मुंतकिल हो गया। मगर आपके जहन में ये बात ताज़ा रहनी चाहिए कि ये सारे वाक़यात जो हुए उससे बहुत पहले बंदगी में सैयद कुंदमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी हुद्दतें तमाम कर दी थी। आपने पहली बात तो यह है कि मुल्ला सैयद कबीर के नाम खत लिखा। आपका ये खत एक तारीखी दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। उस खत में सारी तफसील बयान की गई है कि महदवियों पर कैसे कैसे जुल्म लाए जा रहे हैं। इस्लाम ने मजहब की अकीदे की आज़ादी दी। कुरान मजीद कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, मगर इख्तियार, हुकूमत और तादाद की कसरत, इस बिना पर यह हक छीन लिया गया था। बंदगी में सैयद कुंदमी सिद्दीक़े विलायत लिखते हैं कि हमको अब अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हम न रियासत के तालिब है, न हम हुकूमत चाहते हैं, न हम तुम्हारी दौलत चाहते हैं। हम तो अपने परवरदिगार की इबादत में दिन रात लगे हुए हैं। तो ये जो जुल्म हो रहा है कि कहीं हमारे बच्चों को पकड़ा जा रहा है, बाजारों में रोका जा रहा है, तस्दीक़ महदी से पलट जाने पर मजबूर किया जा रहा है और किसी को कैद किया जा रहा है, किसी को कत्ल किया जा रहा है, कोई जख्मी हो रहा है, न दाद है न फरियाद है। आपने फरमाया कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। और आखिर में ये फरमाते हैं कि बेशक हम ज़ईफ़ हैं, हम कमजोर हैं, मगर याद रखो कि हमारा साहब ज़ईफ़ नहीं है, हमारा परवरदिगार ज़ईफ़ नहीं है। आपने गौर फरमाया। तो बंदगी में सैयद कुंदमी का ये खत मुल्ला सैयद कबीर को दाना एक कुदरत की तकबीर थी। मुल्ला सैयद कबीर सारे मुल्लाओं से सीनियर मुल्ला आलिम थे गुजरात। दूसरा काम बंदगी में सैयद कुंदमी सिद्दीक़े विलायत ने ये किया कि आपने इस्तिफ्ता रवाना किया, फतवा भेजा इन प्रोफेशनल मुफ्तियों के नाम जिन्होंने दीन को पेट पालने का जरिया बना रखा था। फतवा इस्तिफ्ता भेजा, उसमें पूछा कि एक जमात है कि जो सिर्फ अल्लाह की इबादत से काम रखती है, दिन रात अल्लाह की इबादत पे मशगूल है, किसी की दरपए आज़ार नहीं है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली जमात नहीं है, पुरअमन तालिबान मौला की जमात है। इस जमात के लोगों को अगर कोई खतरे करता है तो इसका क्या हुक्म है? शरीयत मोहम्मदिया की रोशनी में बयान फरमाए। इस्तफ्ता गया तो मुल्लाओं ने, मुफ्तियों ने फतवा ये दिया कि खातिर खुद वाजिबुल खत्ल है, यानी उनके ऊपर हुक्म तमाम हो गई। ये तारीखी काम आपने किया, 22 मकामात पे आपकी हिजरत हुई, इन बातों को याद रखिए। तीन बातें आपसे बयान कर रहा मुख्तसर करने के लिए। एक तो ये कि मुल्ला सैयद कबीर के नाम आपने जो खत लिखा वो तारीखी दस्तावेज है महदवियों की बेगुनाही का, महदवियों की मजलूमियत का और उनकी हक्कानियत का। और दूसरा है ये इस्तफ्ता जो आपने रवाना किया, उनसे फतवा हासिल किया। और तीसरी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ, तारीख की रोशनी में आप अगर हमारी तारीख का गहरी नजर के साथ मुतालिया करें तो आपको ये बात नजर आएगी। देखिए, 2 साल का अरसा, 2 साल में 21 मरतबा बंदगी में सैयद खुदमीर को हिजरत करनी पड़ी, इखराज सहना पड़ा। हुकूमत की तरफ से हुकुम पे हुकुम आ रहा है। आज इस गांव में है सारे दायरे के साथ। आपकी मकबूलियत का ये आलम है कि लोग आ रहे हैं, आपके दायरे में शामिल हो रहे हैं, महदवियत को कबूल कर रहे हैं, मगर आपको दायरा एक मकाम से दूसरे मकाम को मुंतकिल करना पड़ता है। इशा की नमाज फर्ज एक जगह अदा की तो वित्र दूसरी जगह अदा की, वुज़ू एक जगह किया तो नमाज दूसरी जगह अदा की। ये जुल्म का यानी इंतहा थी कि इन बुजुर्गों को फाखर कशी की हालत में एक मकाम से दूसरे मकाम को बार बार मुंतकिल होना पड़ रहा है। 21 मरतबा आपका इखराज हुआ, आपने ये जुल्म भी सहा। उखरिजू मिन दियारिहिम, कुरान की आयत कह रही। फल्लज़ीना हाजरू, जिन लोगों ने हिजरत की, वउखरिजू मिन दियारिहिम, और जिनको उनके घरों से निकाला गया, वऊज़ू फ़ी सबीली। टाकिया का ये आलम है कि सारा बाजार गर्म है। मुल्लाओं ने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा था, झूठे फतवे देते थे, बादशाह को बरगलाते थे, दुनियावी अगरास्त थी। यह आलम था। तो आपने इसके बावजूद 2 साल के अरसे में 21 मरतबा इखराज हुआ तो आपने इसको बर्दाश्त किया। 3 बातें हो गई, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मुख्तसर यह है कि जब सुदर्शन पहुंचे तो साथियों ने ऐनुल मुल्क को शर्म दिलाई। तुमको कुछ शर्म है? तुम कैसे सिपा सालार हो? इतना बड़ा लश्कर बाकी बादशाह के हुक्म से ले आए और तुमने सिर्फ 60 फकीरों के हाथ की शिकस्त खाई। अब वापस जापान जाओगे तो बादशाह तुम पे खफा होगा, बादशाह नाराज होगा। वो कहेगा कि भाई इतना बड़ा लश्कर देके तुमको भेजा और तुमको शर्म नहीं आती? बेसर सामान फकीरों के हाथ की शिकस्त उठा के वापस आ गए। तो फौज फिर से मुश्तबा हुई, ऐनुल मुल्क ने फिर से तैयारी की और सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद सुदर्शन पे हमला आवर। देखिए आयत करीमा में कातलू व कुतिलू, कातलू और कुतिलू के दरमियान सिर्फ एक भाव है। तो 12 शव्वाल को खामेल में जिस फौज को शिकस्त हुई थी उस फौज ने अपने जुल्म की तकमील करने के लिए सुदर्शन पे हल्ला बोल दिया।